नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। मीरा भाईंदर दोस्तों, कल हमने खबर चलाई थी कि सफाई कर्मियों ने झुग्गी झोपड़ी वालों पर पानी का पैसा मांगने पर हमला कर दिया, उनके साथ में मारपीट की थी। इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए काशीमीरा पुलिस ने जख्मियों के बयान दर्ज करने के बाद में काशीमीरा पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया है अज्ञात हमलावरों के खिलाफ में। इस पूरे मामले में पुलिस तहकीकात में जुट चुकी है, जो भी दोषी है उनकी जांच पड़ताल करने के बाद में उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का बयान दिया है काशीमीरा पुलिस थाने के जांच अधिकारी निखिल चौहान ने। आइए हम सुनते हैं क्या कहना है निखिल चौहान का इस पूरे मामले को लेकर। इसमें जो जख्मी हैं वो टेंबा हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, तो उधर जाके पुलिस ने जो उनका स्टेटमेंट लिया है, तो उनके साथ दो तीन लोगों को कुछ पानी की बोतल के कारण की वजह से कुछ झगड़ा हुआ था उन्होंने, तो सात आठ लोगों ने कुछ मारा है ऐसा मामला दर्ज किया है। तो उनका स्टेटमेंट लेके जो उन्होंने बयान दिया है, उस बयान के तौर पे काशीमीरा पुलिस स्टेशन में 225/2022 IPC कलम 143, 145, 147, 149 और 324 के तहत FIR दर्ज की गई है। उसका इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। सर, इस पूरे मामले में कितने लोग जख्मी हुए हैं और कितने लोगों ने मिलकर हमला किया था? इसमें एविडेंस के तौर पे जो कुछ उधर का CCTV कैमरा फुटेज रहेगा या जो कुछ रहेगा उसके बेस पे इन्वेस्टिगेशन आगे चालू है। जो भी लोग उसमें दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में कितने लोग जख्मी हुए थे? जो कंप्लेनेंट है वो टेंबा हॉस्पिटल में भर्ती थे, उनके साथ और दो लोग हैं, उनका मेडिकल रिपोर्ट जो आएगा उसकी जांच चालू है। वो जांच के तौर पे आगे का प्रोसेस करवाएंगे, इन्वेस्टिगेशन चालू रहेगा। तो क्या इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी हुई है? जो एविडेंस मिले हैं उसके तौर पे जो लोग उसमें मुजरिम पाए जाएंगे, क्योंकि कंप्लेनेंट के वो पहचान वाले नहीं है या कंप्लेनेंट उनको पहचान नहीं रहा है, मतलब पहचान वाले नहीं है, तो उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन में जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये थे काशीमीरा पुलिस थाने के जांच अधिकारी निखिल चौहान, जिन्होंने बताया है कि जांच में जो भी दोषी पाए जाते हैं उन दोषियों पर पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी, सबूत इकट्ठे किए जाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर अगर मामला ज़्यादा संगीन दिखाई पड़ता है मेडिकल रिपोर्ट के बाद में, तो इसमें धाराएं और भी बढ़ने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। इस तरह का बयान भी काशीमीरा पुलिस के इन जांच अधिकारी निखिल चौहान ने दिया है। हमें खुशी है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ में FIR दर्ज किया है और उनके खिलाफ में अब गिरफ्तारी करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दी है काशीमीरा पुलिस ने। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।